बहुत जल गया, तभी मेरे को डांटा कि मैं भी तो बहुत ज्यादा जल गया, तो मेरा ये सब कुछ और जल गया मेरे को। हाँ। फिर मुझे डर लगा कुतिया काटना, फिर वो पिल्लो की आवाज आना बंद हो गई। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खान फैमिली एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मेरी वॉइस स्लो आती होगी, स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नदीम और फहद दोनों ही लोग सो रहे हैं, मैंने उन दोनों को सुला दिया है। 3 बजे का टाइम हो रहा है, आज काफ़ी लेट मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है क्योंकि आज सुबह से जो मैं उठी थी तो मैं काम में लगी हुई थी, तो मेरे को वक्त नहीं मिल पाया जो मैं अपना ब्लॉग शूट कर पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले नदीम तो ऑलरेडी सो रहे थे, एक्चुअली उनकी थोड़ी आज तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर गए थे मॉर्निंग से ही, आज उनका लाइट लाइट थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, और फिर उसके बाद फिर वो बाहर वगैरह होके आए, तो जब वहाँ से आए तो उनको हेडेक कुछ ज़्यादा ही होने लगा, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया, तो फिर वो आके सो गए। मैंने उनसे बोला आप चुपचाप सो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, सर का दर्द सही हो जाएगा। फिर मैंने आराम से फहद को खाना खिला के फहद को सुलाया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी अब ब्लॉगिंग शुरू की है, तो मैंने सोचा अब शूट कर लूँ क्योंकि आधा से ज़्यादा दिन तो मेरा निकल ही गया, ख़त्म ही हो गया है। खाना मैंने बना दिया, नदीम सो रहे थे, एक्चुअली भी हम दोनों ने किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फहद ने खाया, उसको मुझे सुलाना था, उसका टाइम था सोने का। फहद जब जागता होता है, यकीन माने मेरा काम करना बहुत मुश्किल होता है, मोबाइल भी ज़्यादा देने के नहीं, बच्चे को ज़्यादा मोबाइल देना नहीं चाहिए, आवाज़ ख़राब होने लगी है, बच्चे को ज़्यादा मोबाइल देना नुकसान देता है। और मैं दिखाती हूँ इन दोनों को जो अंधेरा काफ़ी रखा है क्योंकि अंधेरा करके ही सोते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, पता अभी कुछ टाइम से मेरी जो स्किन था थोड़ा सा मुझे मतलब डलने सी नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कॉफ़ी पैक के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ वो कॉफ़ी पैक, तो मैंने वो पैक को मैंने कल लगाया था, उस पैक को लगाने के बाद रिज़ल्ट मेरे एक ये पिम्पल हुआ जो बहुत पेन कर रहा है, और एक इस साइड पिंपल हुआ है जो मेरा फूट चुका है। आई डोंट नो, लोग कहते हैं उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा बताते हैं, बट शायद मेरे को सूट नहीं किया, या फिर शायद हो सकता है सारे लोगों को उस टाइम पे इंस्टेंट ग्लो देता होगा, लेकिन बाद में हो सकता है उससे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन होती होगी, तो शायद उन स्ट्रॉन्ग स्किन बोल सकते हैं उनको, शायद कुछ नहीं होता। ये मेरे को चोट भी लग गया, ये चोट लगा मेरे, और ये और ये। सो के उठने के बाद इन दोनों में भयंकर जंग स्टार्ट हो चुकी है, जो फहद ने गुस्से में देखो अपने डैडी को तकिए से मारा है, रिमोट उधर कोने में फेंका है, और अब शायद सुलह होने जा रही है, नोजी साफ हो रही है इससे की मैंने हाथ। अच्छा, बच्चों की ऐसी कर देते हैं। तो आपके सर का दर्द कैसा है? ठीक है। ये जनाब थोड़ा जल्दी उठ गए तो उनका मूड खराब है। फहद कर कैसे रहा? फहद की पैजामे कहाँ पेट पे टांग दिए पहले वाले बच्चों की तरह। 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है क्योंकि इन जनाब को भूख नहीं लग रही है, इनकी वजह से मैं भी भूखी रह रही हूँ, मुझे भी भूखा रहना पड़ रहा है अभी अभी। और किचन में मैं फहद के लिए आलू बना रही थी, तो वो आलू में उसको फ्राई ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया और मेरी गलती होगी, मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड नहीं किया और मैंने उसमें तुरंत ही आलू डाल दिया, और ये चीज़ देख सकते हैं यार, मेरे ये चीज़ इतना जल गया, ऑयल आ गया मुँह पे और बहुत ज़्यादा जल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बर्न कर रहा है, पूरा रेड हो रखा। आई डोंट नो फ़ोन में ठीक से दिखता होगा नहीं दिखता होगा, बट मेरे काफ़ी जल गया यार, पिंपल्स भी हो गया, सुबह नेल्स भी लगा और अब मेरे को ये बर्न हो गया यार, बहुत दिक्कत दे रहा है, बट मेरे को टेंशन हो रही है यार मेरे निशान वगैरह कुछ ना पड़ जाए क्योंकि बहुत खौलता हुआ तेल था, बिल्कुल ही गर्म था और उसमें से धुआं निकल रहा था बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था, तो मैंने उसी में ही डाल दिया यार, मेरी गलती की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ गया, इतना ज़्यादा ये चीज़ दिक्कत दे रही है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, देख सकते हो बिल्कुल रेड हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं इस पर लगाऊँ तो लगाऊँ क्या, कुछ या तो जलने वाला क्रीम हो, एलोवेरा जल वाला लगा तो मुझे नुकसान ना दे जाए, ये भी डर लग रहा है, स्किन की बात है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ साइड से आया, खुदा ना खास्ते फ्रंट पे आ जाता या आँख में चला जाता तो पता नहीं क्या होता। हाँ हुए बेटा, ये देखो मम्मा के हुआ हो गया है, डोंट टच बेटा दर्द हो रहा है, हो गया मम्मा के। ये डॉक्टर ने फहद को लोशन दिया था या? ये मैंने लगा लिया है यहाँ पर, लेकिन इसको लगाने से मुझे और ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन बढ़ रहा है इसका, और ज़्यादा जल रहा है मेरा,
मेरे को पता नहीं, बस थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, बट मुझे टेंशन हो रही है कि ठीक हो जाए जल्दी से। अगर मैं डालूंगी इतने गर्म तेल में डेफिनेटली दिक्कत होगी, छींटे मुंह पे आएंगे। ऐसा लग रहा है कि इतना बीच ना पूरे जैसे यहाँ पर किसी ने पता नहीं क्या चीज़ लगा दी हो, बहुत तेज़ी की आग पड़ रही है, बहुत तेज़ी की। काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी स्किन ख़राब कर ली। नवीन साहब आ चुके हैं और मुझे डांटने वाले हैं। तो मेरे को डांटोगे तो नहीं? मेरा फेस पे ऑयल आ गया, जल गया यार। कैसे जल गया? मैं भैया के लिए आलू बना रही थी। क्या जल गया? ये हाँ काफी जल गया। चलो ध्यान रखा करो अपने यार। आटा लेके आयो, ले गए उठा के उसको। यार दोस्तों एक्चुअली अभी जब नदीम आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने देख के बताया कि महवेश तुम तो काफ़ी जल गई हो और मैं यहाँ सब मेरा अच्छा बर्न हो रहा था। मैं सोच रही थी मेरा ये चीज़ रेड थी, मैं सोच रही थी मेरी स्किन थोड़ी यहाँ सेंसिटिव है, हो सकता है इस वजह से ये रेड वेड हो गया हो, लेकिन यार ये तो बहुत जल गया, इतना पोर्शन मेरा जल गया और बहुत जल रहा है। मेरा मुँह ये लग रहा है कि पता नहीं स्पॉट वगैरह भी ना पड़ जाए, छाले वगैरह ना हो जाओ, दिक्कत भी बहुत हो रही है। और मैंने गुस्से में नदीम से और फहाद से दोनों से लड़ाई लड़ ली है, मैं दोनों से नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा जल गया तो मुझे गुस्सा आ रहा है, हालांकि मेरी गलती की वजह से जला, लेकिन बट मुझे अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ये सब जल रहा है। फहाद आप मम्मा से नाराज हो? जरा देर रुक जाओ, अभी हम आ रहे हैं अंदर। डैडी के पास जाओ, डैडी से कहना स्वेटर पहना दो, गो। मैं भी बाहर गया था, छोटे चार पिल्ले थे पता, चार या तीन पिल्ले थे, तो वो एक घर के बराबर में एक वो डिप बना हुआ था, उसके अंदर से रो रहे थे हैं। और उसकी माँ भी थी छोटी सी है, तो वहीं पर कट्टे पड़े हुए थे धान के जो कट्टे होते हैं बोरी, वो पड़ी हुई थी फटी हुई, दो तीन दो पड़ी हुई थी, तो मैं उसको हाथ से मैंने रखा वहां पे। हाँ। फिर मुझे डर लगा कुतिया काटना, काटना। तो मैं वाइपर लेके गया, फिर वाइपर से मैंने दोनों तरफ से ऐसे टिप होता है, हाँ। नाली है बीच में सूखी नाली, हाँ। उसमें बैठे थे, पहले मैंने इधर से बंद किया, हाँ। मतलब उस कुतिया के ऊपर डाला, फिर उधर से देखा मैंने पिल्ले रो रहे थे, अरे। उस तरफ से मैंने पिल्लों के ऊपर डाला, फिर मैं वही खड़ा रहा दो चार मिनट के लिए, फिर वो पिल्लों की आवाज आना बंद हो गई, बेचारों को ठंड लगती होगी। ये तो तुमने हमारे और हम आरिस की तरह बचपन का काम करा दिया। आरिस भी पता बचपन में ऐसे ही करता था, कुत्तों को जाके बहुत केयर करता था। नहीं नहीं वो यार बड़ा चीज़, ख्याल आता है ना। हाँ ये बात तो है। अब मुझे पता है वो रात भर आराम से सोते रहेंगे और वो जब भी जाएंगे तो उसी के अंदर जाएंगे ना। अब मैं देख लिया करूंगा दो तीन दिन। हाँ हाँ पता है आप लोगों से वीडियो शूट करने के बाद मैं इतना रोई हूँ कि मेरा गुस्सा सिर्फ नदीम और फहद ये दो लोग जानते हैं। इतना भयंकर गुस्सा किया मैंने, गुस्से में रो इतना रो रही थी, इतनी देर हो गई है, दो घंटे हो गए हैं, फिर भी इसकी जो जलन है वो ख़त्म नहीं हो रही है। आप देख सकते हो ये तो हाल आपके सामने है ही, तो मैं अपना दुखड़ा आप लोगों को और ज़्यादा नहीं सुनाने वाली हूँ। इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पर और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हाफिज़। दवाई को वॉश किया है और यार देख सकते हो बहुत जल गया है, और ये नेक भी मेरे काफ़ी निशान बने हैं।